सारे डाइट हैक्स वाली फैमिली, आई रियली होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, ख्याल अपना बहुत सारा रखे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वापस एक ऐसा फूड जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशंस या ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से मैनेज करें, कंट्रोल करें। इस सीरीज में, इस समर में हम ऐसे कौन से दो फूड या मैं कहूँ फूड और ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि आप उन सारे फूड्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करके इस तरह की कंडीशंस को भविष्य में आने से बिल्कुल रोक सकते हैं। तो आज का जो फूड है वो भी बहुत बेहतरीन फूड है, क्योंकि आपका ब्लड शुगर हो, आपका ब्लड प्रेशर हो या आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो, इन सारी ही चीज़ों पे ये फूड बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत सारा सोडियम और पोटेशियम, मतलब आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर फूड है वो आपके ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है और आपके हार्ट को पंप करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है जब भी ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। इसकी वजह से होता ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी रेगुलेटेड रहता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस फूड को खाने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर फूड है उसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रहता है। ये कैल्शियम आपके ब्लड वेसल्स, मतलब धमनियों को, रक्त धमनियों को, आर्टरीज को रिलैक्स रखता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता है, हार्ट पे प्रेशर कम पड़ता है और हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रोक हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा इस फूड से ग्लूकोज होम्योस्टेसिस बहुत अच्छा होता है। क्या होता ही है ये भला जी? ऐसा होता है कि आप जब भी खाना लेते हैं तो उस खाने का शुगर डाइजेशन के बाद निकलता है और उस शुगर पे एक्ट करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन को निकलना पड़ता है। तो ये जो दोनों हार्मोन है वो दोनों ही डायबिटीज से बहुत ज़्यादा संबंधित है, रिलेटेड है, और इन दोनों का ही बैलेंस बनाने का काम ये फूड करता है। क्योंकि इस फूड में है बहुत सारे फाइबर्स, 60% सेल्यूलोज, 27% हेमीसेल्यूलोज और 13% पेक्टिन जैसा सोल्यूबल फाइबर में रिच ये जो फूड है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम रखता है खाने के बाद और आपके इंसुलिन के लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा ये सेम सोल्यूबल फाइबर्स जो आपके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको तोड़ने का, डिस्ट्रॉय करने का काम, आपके ब्लड में से फैट के मॉलिक्यूल्स को निकालने का काम करता है, तो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इस फूड को खाने की वजह से कंट्रोल में रहते हैं। इतना सारा बता दिया, फूड का नाम नहीं बताया, नेक्स्ट सेक्शन में बता रही हूँ आपको, बने रहिए, क्योंकि इसके साथ मैं आपको दो सुपर फूड कॉम्बो के साथ एक बेहतरीन 5 मिनट में झटपट बनने वाली रेसिपी भी बता रही हूँ जो आपके सारे ब्लड प्रोफाइल को इस समय में करेक्ट कर देगा। तो कोई भी पोर्शन छोड़िए मत, मिस मत करिए, अपने हेल्थ पे इतना टाइम देना तो बनता है बॉस। से पहले मैं आपको फूड का नाम बता दूं, आपको रेसिपी बता दूं, मैं आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि ये जो पर्टिकुलर फूड है अगर आपको या आपके परिवार में किसी को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ना लीजिए, क्योंकि इस फूड में एक खास तरह का न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि, क्योंकि आपकी किडनी वैसे ही टॉक्सिन्स बाहर अच्छे से नहीं निकाल पा रही है तो ये टॉक्सिन वो अच्छे से फ्लश आउट नहीं कर पाती है और फिर उसकी वजह से आपको बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि सीजर्स हो गया या फिर डिजीनेस हो गया, मतलब चक्कर आना हो गया, हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गई, इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर किडनी स्टोन का कोई पेशेंट आपके घर में है तो उसको भी हाई ऑक्सलेट कंटेंट की वजह से यह फूड हम नहीं दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि फूड का नाम क्या है और हम इसे किस तरह यूज़ करें। तो फूड है स्टार फ्रूट। जी हाँ, पूरी सुपर फूड की दुनिया का स्टार जो है स्टार फ्रूट को हम कमरक करम्बोला भी बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे उस रेसिपी की जिस कि हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, जिसको हम लेके अपने ब्लड प्रोफाइल को बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी इस समर में बना सकते हैं। तो इस फूड में या इस रेसिपी में हमने यूज़ किया है 2 स्टार फ्रूट, ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप इसको गार्निश या प्लेटिंग करना चाहते हैं तो वैसे तो 2 स्टार फ्रूट लीजिए। उसके साथ हमने लिया है 1 3/4 कप, मतलब 1.25 कप कोकोनट वाटर। अब कोकोनट वाटर किस तरह आपके ब्लड प्रोफाइल को अच्छा करता है ये सारी चीज़ें मैंने पहले के एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, प्लीज़ जाके देखिए ताकि आपको पता चले कि हमारे आजू बाजू कितने अच्छे अच्छे फूड हैं और उनको कितनी वैरायटी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से हम बना सकते हैं और अपनी
डाइट में इंक्लूड करके अपनी हेल्थ को बिल्कुल तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द रेसिपी, हमने ले लिए 2 स्टार फ्रूट, हमने ले लिया 1.25 कप कोकोनट वाटर, इसके अलावा हम टेबल स्पून लेंगे 1 ग्रेटेड लेमन ग्रास, 1 टीस्पून लेंगे हम लेमन जूस और थोड़ा सा कोशर सॉल्ट टेस्ट के लिए। आप इसके अलावा सेंधा नमक है या कोई भी नमक आप यूज़ कर सकते हैं, जितना सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट इस तरह का आपने कुछ यूज़ किया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, काला नमक के संबंध में। तो ये हो गए सारे इंग्रेडिएंट्स। करना क्या है, स्टार फ्रूट को रफली चॉप कर लीजिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए 3 घंटे के लिए, वो जम जाएगा बर्फ की तरह। अब उस स्टार फ्रूट को निकाल लीजिए, फ्रोजन वाले ब्लेंडर में डालिए कोकोनट वाटर, ब्लेंडर में डालिए ग्रेटेड ग्रास, लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लेंड कर दीजिए। आपको जिस कंसिस्टेंसी तक वो अच्छा लगता है, वाला सिर्फ 77 कैलोरीज है, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ कार्ब्स है और बहुत अच्छा फाइबर है। 5 मिनट में आपका इवनिंग स्नैक बिल्कुल फटाफट से तैयार है, जो हेल्थ से बिल्कुल भरपूर है, आपको किसी तरह की क्रेविंग नहीं देगा अनहेल्दी फूड खाने के लिए। तो इस रेसिपी को बनाइए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। स्टार फ्रूट से रिलेटेड आपको और कोई रेसिपी पता है तो ज़रूर बताइए, मुझे पढ़ने और सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर कि स्टार फ्रूट या कमरक के बारे में दी गई जानकारी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वीडियो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इतना तो बनता है। 5 से 10 मिनट आपको सिर्फ हफ्ते में कुछ दिन निकालने हैं कुछ अच्छा अपने हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड सुनने के लिए। आप जितना सुनेंगे आप उतना मोटिवेटेड होंगे हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड और हेल्दी रेसिपीज को अपने रूटीन में अपनाने के लिए। तो प्रेस करिए बेल आइकन ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और आप कुछ ना मिस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छी हेल्थ ही आपको अच्छा हेल्दी ग्लो और अच्छा हेल्दी यूथफुल डेमिनियर देता है। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को भी विराम दे रही हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभम भवतु।